हेलो टू एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स एंड एरिया वेक्टर। देखिए, एरिया वेक्टर क्या है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एरिया है, मान लीजिए मेरे पास इस तरीके का एक एरिया दिया हुआ है, ये कोई मेरे पास एरिया है, ये साइड इसकी लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, रंबस है जैसे कोई, या मान लीजिए मेरे पास ये एरिया है, मान लीजिए मेरे पास कोई रेक्टेंगल है, या मान लीजिए मेरे पास कोई ये एरिया है, मान लीजिए मेरे पास स्क्वायर है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये जो एरिया है और इसके परपेंडिकुलर मैं एक वेक्टर ड्रा कर दूं। देखिए, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि जैसे ये पेन है यहाँ पर, और इसको मैं इस एरिया वेक्टर के 90 डिग्री पे रख दूँ, बिल्कुल ऐसे सीधा रख दूँ, इस तरीके से ऐसे सीधा रख दूँ, तो इसको बोला जाएगा नॉर्मल। हम बोल देंगे कि ये जो पेन है ये इस एरिया के नॉर्मल है, तो इसी को बोल देंगे हम एरिया वेक्टर। ये जो परपेंडिकुलर पेन मैंने यहाँ पर रखा है, इसी को बोल देंगे हम इसका एरिया वेक्टर। तो ध्यान रखिएगा, एरिया वेक्टर ऑलवेज हमेशा ही आपका ये परपेंडिकुलर होगा, इस तरीके से, इस एरिया के ऐसे परपेंडिकुलर। तो हम बोल सकते हैं कि एरिया वेक्टर एक्चुअली में क्या है, एरिया वेक्टर आपका एक्चुअली में है क्या, तो ये है आपका एक वेक्टर है। एरिया वेक्टर का मतलब द वेक्टर परपेंडिकुलर टू एरिया एलिमेंट। इज ए एरिया वेक्टर। ये वो एरिया एलिमेंट हमारा ये हुआ, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये रोम्बस है, तो इनके परपेंडिकुलर कोई अगर हम वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं तो वो हमारा एरिया वेक्टर होगा। जैसे जैसे हम प्रोसीड करते जाएंगे आपको अच्छे से क्लियर होता जाएगा। अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहें आप, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की। देखिएगा, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होंगे यहाँ पे, उसके बारे में बात करेंगे हम। देखिएगा, मान लीजिए कुछ मिनट के लिए कि इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे कोई ऐसे क्लोज सरफेस है। देखिएगा, ये मेरे पास कोई भी क्लोज सरफेस है, और ये जो क्लोज सरफेस है यहाँ से कुछ इलेक्ट्रिकल लाइंस पास कर रही हैं। मान लीजिए मैंने कुछ इलेक्ट्रिकल लाइंस को ऐसे पास किया, यहाँ से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस है ये, जो कि यहाँ से पास कर रहे हैं इस एरिया से। ध्यान रखिएगा, ये जो एरो मैंने आपको दिखाए हैं ये आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, और ये आपका वो एरिया एलिमेंट है। ये जो आपको यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में दिख रहा है ये आपका एरिया एलिमेंट है। तो अब हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, क्या ये सभी इलेक्ट्रिकल लाइंस इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होंगे, तो हम बोलेंगे नहीं होंगे। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इलेक्ट्रिकल लाइंस को ही बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इलेक्ट्रिकल लाइंस को ही बोला जाता है, लेकिन उन्हीं इलेक्ट्रिकल लाइंस को, उन्हीं इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को बोला जाएगा जो कि नॉर्मली पास कर रहे होंगे, जो कि
नॉर्मली पास कर रहे होंगे। नॉर्मली पास करने का मतलब, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये एरिया वेक्टर माना। देखिएगा, इससे पहले मैंने आपको एरिया वेक्टर बताया था, तो उसकी इम्पोर्टेंस यहाँ से शुरू होगी। अब मान लीजिए ये मैंने एक एरिया लिया, और अब आपसे कोई पूछे कि बताइए इसका नॉर्म एरिया वेक्टर कौन सा होगा, तो हम बोलेंगे ऐसे परपेंडिकुलर। ये जो परपेंडिकुलर है ये इसका क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। तो देखिएगा, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन थी, और ये इलेक्ट्रिकल फ्लक्स उन्हीं इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन को बोला जाएगा जो कि इस एरिया को क्रॉस कर रही होंगी, और क्रॉस भी नॉर्मली कर रही होंगी। कहने का मतलब, जो बिल्कुल इसके अंदर से जाएंगी, इस एरिया वेक्टर के अंदर से जो लाइन से जाएंगी, उन्हीं को हम केवल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बोलेंगे। यानी कि आप बोल सकते हैं, अगर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की डेफिनेशन लिखना चाहिए तो आप बोल सकते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइन्स। यानी कि इलेक्ट्रिकल लाइन्स को ही इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बोला जाएगा, शर्त यह है कि वो कोई गिवन एरिया को क्रॉस कर रही हों। तो हम बोल देंगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइन्स वो फोर्स विच पासिस थ्रू एनी क्लोज सरफेस। तो बोल देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ फोर्सेस विच पासिस थ्रू एनी क्लोज सरफेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। तो ये आपने देखा, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है। इससे आगे आने वाले टॉपिक्स में गॉस लॉ आएगा स्टूडेंट, गॉस लॉ, वहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपको ये पहचानना कि कौन सी इलेक्ट्रिकल लाइंस इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होंगे। तो आपने ध्यान में रखना है जो नॉर्मल पास करेंगे, नॉर्मली पास करेंगे। इसकी कंडीशन भी है यहाँ पे, वो कंडीशन के बारे में भी हम बात करेंगे। देखिएगा, अब मान लो एक मिनट के लिए किसी तरीके से हमारे पास ये कोई भी एरिया, हमारे पास सर्कल है, इसने कुछ एरिया इनक्लोज किया हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है वो कुछ है इस तरीके की इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन से। मान लीजिए इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा कुछ इस तरीके का है, मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये जो ई है हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसको हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं। देखिएगा, एक कंपोनेंट हम इसका ये बना लेंगे, और दूसरा कंपोनेंट हम इसका ये बना लेंगे। ये आपने ध्यान में रखना है, दो कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे होंगे। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, एक कंपोनेंट ये होगा, दूसरा कंपोनेंट ये होगा। अब ये यहाँ पे आप एक मिनट के लिए मानिए कि ये हमारे पास यहाँ पे आपका थीटा होगा। तो देखिएगा, ये अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड था और ये हमने इस इलेक्ट्रिकल फील्ड को दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया, तो आप देखेंगे ये वाला कंपोनेंट हमारा कौन सा होगा, इसको हम बोलेंगे ई कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, ई साइन थीटा। अब आप सोच के देखिएगा कि यहाँ से इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा इस तरीके से है, तो कौन सा कंपोनेंट, ई कोस थीटा या ई साइन थीटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बनाएगा। ध्यान रखिएगा, ई साइन थीटा यहाँ पर केवल इस सरफेस को टच करेगा, यानी कि इस सरफेस के अंदर से कौन सा कंपोनेंट जाएगा, ई कोस थीटा जाएगा। ई साइन थीटा इस सरफेस को केवल टच करते हुए जाएगा बाहर से, अंदर से क्रॉस नहीं करेगा, जबकि ई कोस थीटा इस सरफेस को अंदर से क्रॉस करेगा। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड के यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे, उन दोनों कंपोनेंट में से कौन सा कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बनाएगा, तो हम बोलेंगे ये वाला जो
नॉर्मल कंपोनेंट है हमारा ई कोस थीटा, ये इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बनाएगा। ई साइन थीटा कोई भी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स यहाँ पे नहीं बनाएगा, ये आपने ध्यान में रखना है। तो अगर आपसे यहाँ पे अब पूछे, देखिएगा पहले तो मैंने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को ही इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बोलेंगे। कंडीशन ये उसके अंदर से इलेक्ट्रिकल, जैसे यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है, तो क्या ये आप इसको बोल सकते हैं कि ये वाली इलेक्ट्रिकल लाइन ये वाली इलेक्ट्रिकल फ्लक्स नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तो किसी एरिया से जा ही नहीं रही, क्रॉस ही नहीं कर रही। अगर आप यहाँ से आपसे कोई पूछे कि बताइए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हैं, तो हम यहाँ पे बोलेंगे 1, 2, 3, ये वाली 1, 2, 3। केवल ये 3 इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन से ही इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होंगे, बाकी ये 2 और नीचे वाले 2 नहीं होंगे। टोटल अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन देखें तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 थी, लेकिन 8 में से केवल 3 इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होंगे। तो यहाँ से अगर आपसे पूछो कि कितने इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होंगे, तो फ्लक्स को आप डिनोट कर सकते हैं ऐसे, ग्रीक वर्ड आपका ये फाई ई मतलब इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। तो ये आपके पास यहाँ पे कितने होंगे, हम बोल देंगे 3 होंगे, 3 इलेक्ट्रिकल फ्लक्स यहाँ पे होंगे। अब देखिएगा एक और तरीके से आप इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, देखिएगा वो तरीका कौन सा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एक डेफिनेशन और लिखना चाहें तो, द प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान रखिएगा इम्पोर्टेंट है ये भी, द प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया, द प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड सरफेस एरिया थ्रू विच इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास। प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट कौन सा होगा, देखिएगा ये रहा नॉर्मल कंपोनेंट ई कोस थीटा एंड एरिया। अब देखिएगा एरिया कौन सा होगा हमारा, ये, यानी कि जैसे आप मान सकते हैं ये वाला एरिया, देख रहे हैं ना आप, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस जो कि नॉर्मल क्रॉस करेंगी, ये नॉर्मल क्रॉस कर रहे हैं, एंड दूसरा एरिया वेक्टर का नॉर्मल कंपोनेंट लेंगे, ये आपने यहाँ पे ध्यान में रखना। तो ध्यान रखिएगा नॉर्मल शब्द जो यहाँ पे है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, यानी कि अगर आप यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ई, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड है, यही बोला हमने यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, जो कि आपके पास कौन सा हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो कोस थीटा वाला होगा कंपोनेंट आपका। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का इसने नॉर्मल कंपोनेंट बोला है, तो नॉर्मल कंपोनेंट कौन सा, देखिएगा यहाँ पे ई कोस थीटा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ई कोस थीटा। इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे देखिएगा, अगर आप पहले वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहें, ये यहाँ पे बस आपको यही बता रहा है कि यहाँ पे हमारा ये वेक्टर फॉर्म में है, ई कोस थीटा रहा इनटू यहाँ पे एरिया। अब एरिया देखिएगा, एरिया को लिखेंगे आप ऐसे से, तो फाई की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, अगर आप देखेंगे तो, अगर आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहें डॉट प्रोडक्ट को,
तो डॉट प्रोडक्ट आपको ये बता देगा कि देखिएगा यहाँ पे कोस थीटा है। अब आप जानते हैं कि अगर आप इस कोस थीटा को यहाँ से हटाएं तो कोस थीटा हमेशा डॉट प्रोडक्ट में आता है, जबकि साइन थीटा आपका क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। तो आप इस थीटा को हटाना चाहें तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं ई डॉट एस, ये हो जाएगा आपका ई डॉट एस। फाई था आपका इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, ई इलेक्ट्रिकल फील्ड, और एस हो जाएगा आपका जो हमारा सरफेस एरिया था वो। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे तो फाई था, यहाँ पे आप डी फाई भी लिख सकते हैं। डी फाई का मतलब अगर आप काफ़ी कम फ्लक्स निकालना चाहें तो अगर कोई फ़र्क क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड तो हमेशा सेम ही रहेगा, और इस एस की जगह पे हम लिख सकते हैं आपका डी एस। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि अगर फाई था तो ई डॉट एस था, लेकिन अगर आपने डी फाई लिखना है तो ई डॉट डी एस हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकालने हैं तो उसका फार्मूला होगा ई डॉट डी एस, वेयर ई इज इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड डी एस इज द नॉर्मल एरिया वेक्टर। तो यहाँ से फार्मूला बनेगा हमारे पास ई डॉट डी एस। कई स्टूडेंट्स के मन में सवाल आ सकता है कि यहाँ पे साइन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड का ई कोस थीटा ही नॉर्मल कंपोनेंट है, ई कोस थीटा ही फ्लक्स बना सकता है, जबकि साइन थीटा कोई भी फ्लक्स नहीं बनाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे ई साइन थीटा को नहीं लिया, ई कोस थीटा को लिया। और डेफिनेशन से नॉर्मल कंपोनेंट का प्रोडक्ट और सरफेस एरिया वही हमारे पास इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हुआ। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के बारे में ये जो कंसेप्ट है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्लियर हुआ होगा। ना हुआ हो तो एक बार वीडियो को फिर से शुरू से देखें, साथ साथ नोट्स बनाते रहें, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।